जन्नत यही है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यासीन बैक विद अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सम एरर लोकेशन आई गेस, एंड लुक हु इज विद मी इज आसिफ एंड और कार इज फुली लोडेड। साकिब हमने सारा सामान गाड़ी में से निकाल दिया है और सभी पैक हो रहे हैं। अभी जो है 3 बजे हैं और हम अभी सरीमस्तान के लिए निकलने लगे। हमें उमर भाई यहाँ पे गाड़ी पे छोड़ने आए थे। अब यहाँ पे जो है ये जगह जो है यहाँ रोड ख़त्म हो रही है। तो गाइज़ हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। हम बहरामगला तक गाड़ी पे आए, उसके बाद हमने जो है अपना अपना सामान उठाया है। हार्डली 15-15, 20-20 केजी हमने सामान कैरी किया है इस बार। तो अभी जो है हम सरीमस्तान के लिए निकले हैं। 3 बजे हैं तो सभी कह रहे हैं 2.5-3 घंटे लगेंगे, लेकिन हमारे पास सामान ज़्यादा है तो होपफुली हम शाम तक ही पहुंच जाएं, तो हमारे लिए गनीमत है। तो सिर्फ मेरे साथ है अभी, बाकी के लोग जो हैं वो आगे जा रहे हैं। तो कुछ भी आता है तो हम शूट करते हैं अच्छा आप लोगों के लिए। अभी हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं जो हमें ऊपर तक छोड़ देंगे, एंड काफ़ी प्यारा ट्रैक है। रिवर की साइड बाय साइड हम लोग जा रहे हैं। पहला ब्रेक जो है हमने लिया है, पसीना पसीना हो गए और भाई पसीना देख रहे हो क्या हाल है भाई? बढ़िया, मज़े आ रहे हैं? नहीं मज़े हैं भाई। यू वॉन्ट बिलीव, इस बंदे को 10 मिनट की हाइक ना ऐसा हो गया। ये सिर्फ 10 मिनट हाइक किए नहीं बेटा, चलने में सबसे तेज है सबसे लास्ट में तेज। तो गाइज अभी हम जो है वहाँ नीचे से आ रहे हैं और हम काफ़ी थक गए थे, हमारे पास सामान ज़्यादा था तो हमें यहाँ पे एक घोड़ा अरेंज करना पड़ा। सामने वाला जो आपको रिज दिखाई दे रहा है उसके उधर जो है वो पंजतारी है, और ये जो है इस जिस तरफ से हम जा रहे हैं ये हमें लेके जाएगा सरी। तो गाइज सनसेट जो है वो और 10-15 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद हमें 1 घंटा और जो है ऊपर की तरफ जाना है। काफ़ी टाइम लगेगा, इवन घोड़ा जो है उसको परेशानी आ रही है, और जो यहाँ का टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है यहाँ पे? डिफ़िकल्टी लेवल बहुत है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। सो ब्रो हाउ आर यू? हाँ एग्जॉस्ट यही तो चाहिए था कि क्या मिल गई। सो गाइस चेक दिस व्यू, ये नीचे जो रोड है ये मुगल रोड है, एंड उस एरिया में ना बादल गरज रहे हैं एंड वहाँ बारिश होने वाली है। हम जो हैं
हम अभी सेफ साइड पे। तो गाइस टॉप पे पहुंच चुके हैं। किसी ने सही कहा है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो ये जो जगह है ये कड़ू है और ये जगह टॉप पे है और यहाँ से पूरा का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। हर तरफ दिखाई देख सकते हैं हम, पीर पंजाल की तरफ भी, देरा गली की तरफ भी, पुंछ की तरफ भी, एंड नीचे चंडीमढ़ वाला जो एरिया है सब एरिया जो है क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से। जन्नत यही है कसम से। बारिश भी आ रही है लेकिन ऊपर आते ही हम सब की थकान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अभी हम थोड़े टाइम में जो है सरी पहुंच जाएंगे एंड वहां पे हम अपना कैंप सेट करते हैं। हम अपना कैंप यहां पे भी सेट कर सकते थे क्योंकि यहां पे व्यू पॉइंट ना बहुत अच्छा था, बट यहां पे हमें आधा घंटा दूर है पानी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम सरी ही जाएँगे और वहीं कैंप लगाएँगे। ये वाला जो है ये अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है और अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन स्पॉट पे नहीं पहुँचे हैं। होपफुली आने वाले 4-5 मिनट में हम पहुँच जाएँ, फिर हमें खाना भी बनाना है और उसके बाद कैंप भी सेट करना है। आज जो है हम कैंप बाहर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में उनको टारे कहते हैं, घर बने होते हैं बेसिकली, ये हमें उसमें रुकना पड़ेगा आज रात को। कैंप जो है हम नहीं लगाएंगे आज रात को क्योंकि बारिश जो है वो गरज रही है काफ़ी तेज़ लेफ़्ट वाली साइड पे, तो यहाँ तक भी आ सकती है, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे रात को कैंपिंग। फाइनली हम सरी पहुँच चुके हैं और काफ़ी सुकून है सरी को देखते साथ ही, बिकॉज़ सुबह से चल रहे हम लोग, तो जब आपको शेल्टर दिखे तो लगता है कि हाँ अब जो है हमें रेस्ट करने को मिलेगा। सुकून वाली जगह है ये, तो सभी लोग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। तो फाइनली रिलीफ, कसम से मज़ा आ गया। बारिश की बूंदें भी अभी भी तेज़ हुई हैं यार, विजिबिलिटी नहीं है पता। तो भाई ये रहा हमारा शेल्टर, यहाँ पे करना है आज रात को हमने स्टे। हाँ